स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मैंने 30 क्वेश्चंस प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आइए स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ऑलरेडी मैंने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वस्तु की लागत कम करने में सहायक है ए उद्योगपति के निजी खर्चे, बी विपणन लागतों पर रोकथाम, सी है साधनों का सदुपयोग एंड डी है बी और सी दोनों। तो वस्तु की लागत कम करने में कौन सा हेल्पफुल होता है, क्या होता है, विपणन लागतों पर रोकथाम और सी है साधनों का सदुपयोग। तो बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वितरण वाहिकाओं के दोष हैं ए चोर बाजारी, बी है मिलावट, सी है मुनाफाखोरी एंड डी है उपरोक्त सभी। तो इसमें से दोष क्या है, इसके डी मेरिट्स पूछा है, तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है उपयुक्त सभी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पाद का जीवन चक्र कम होने का कारण है, पहला है कम लागत, बी है अधिक मात्रा, सी है उपभोक्ता की अज्ञानता एंड डी उत्पाद नियोजन का अभाव। उत्पाद का जीवन चक्र कम होने का कारण का मतलब क्या है कि हम उस उत्पाद नियोजन, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर कि उत्पाद नियोजन का अभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता अभिमुखी के कारण डैश की विचारधारा के घटक हैं ए सामान्य आवश्यकता की परिभाषा, बी है लक्ष्य समूहों की परिभाषा, सी है विधेयात्मक वस्तुएं एंड डी उपयुक्त सभी। तो उपभोक्ता अभिलेखों के कारण क्या होता है, किस विचारधारा के घटक पूछा है, तो वो हो जाएंगे तीनों तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, किस अवधारणा के अंतर्गत उत्पाद को उपभोक्ता के अनुसार उत्पाद बनाना चाहिए ए परंपरागत, बी है आधुनिक, सी है सामान्य की उपभोक्ता अनुसंधान। तो ये हो जाएगा इसका डी उपभोक्ता अनुसंधान। नेक्स्ट, उपभोक्ता कल्याण का क्या अर्थ है ए उपभोक्ता को ठगना, बी है उपभोक्ता को उचित सामान देना, सी उपभोक्ता को उचित मूल्य पर सामान देना एंड डी है बी और सी दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य है जब तक जबकि ए उद्योग कार्य करें, बी उद्योग समाज कल्याण उपभोक्ता कल्याण न हो और सी है उद्योग उत्पादों द्वारा ग्राहकों को भ्रमित किया जाए एंड डी है बी और सी दोनों। तो सरकारी हस्तक्षेप इसलिए कंपल्सरी है क्योंकि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विपणन विचार का जन्म डैश में हुआ ए 1990 to 1910, बी है 1900 to 1930, सी है 1947 से 2000। तो जो विपणन, जो मार्केटिंग का जो विचार आया उसका जन्म कब हुआ था, 1900 से लेके 1930 के बीच में हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विपणन विचार द्वारा प्रतिपादित किया गया ए अमेरिका, बी भारत, सी चीन, डी है रूस। तो विपणन विचार का जो ये किसने प्रतिपादित किया है, तो ये किया है ए अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, विपणन प्रबंध मूलतः दो शब्दों का सम्मिश्रण में है और दोनों ही शब्दों का अर्थ है भिन्न भिन्न, समान, विपरीत की पर्यायवाची। ठीक है, दो शब्दों का सम्मिश्रण है, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी विपरीत। नेक्स्ट, विपणन प्रबंध के संदर्भ में सत्य कथन है ए यह प्रबंधकों का विपणन है, यह एक गैर प्रबंध की क्रिया है, सी यह निम्न श्रेणी की क्रिया है और डी यह प्रबंध की क्रिया है। तो विपणन, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये क्या है, गैर प्रबंध की क्रिया है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की तकनीक को कहते हैं ए विपणन अनुसंधान, बी उपभोक्ता विपणन विश्लेषण, सी है विपणन प्रबंध एंड डी है ए और बी। तो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को निर्धारित करने की जो टेक्निक कहलाती है वो क्या कहलाती है, ए और बी दोनों, विपणन अनुसंधान और बी उपभोक्ता अभिप्रेरणा विश्लेषण। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अपने उत्पादों की खपत हेतु संपूर्ण बाजार को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटना क्या कहलाता है ए बाजार संवर्धन, बी बाजार अनुसंधान, सी बाजार विभक्तिकरण, कि इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं इसको, बाजार विभक्तिकरण। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मनी बैंक गारंटी विक्रोपंत सेवा आदि तकनीकों का प्रयोग किया जाता है ए ग्राहकों में वृद्धि, ग्राहकों की संतुष्टि में वृद्धि, सी है ग्राहकों के विचारों की शुद्धि, कि ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ग्राहकों को जागरूक बनाने के लिए। नेक्स्ट है, नियोजन के सिद्धांत का संबंध से है, ए विक्रय परिणाम में वृद्धि, बी है शुद्ध लाभों में वृद्धि, और सी है वस्तु उत्पादन में कमी, और डी है ग्राहकों को पुस्तकों का वस्तुओं का विक्रय। तो जब नियोजन प्लानिंग का जो सिद्धांत है बेसिकली किससे रिलेटेड है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राहकों को वस्तुओं का विक्रय करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, ये विपणन क्षेत्र में निपुण होते हैं तथा विपणन लक्ष्य को पूरा करने का दायित्व उनके ऊपर होता है, ए एजेंट, बी विपणन प्रबंधक, सी उपभोक्ता, डी उपभोक्ता। ठीक है, तो विपणन प्रबंध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, विपणन अनुसंधान के अंतर्गत प्राप्त की गई जाने वाली जानकारियां हैं, ए उत्पाद, प्रतिस्थापन उत्पाद, सी है विक्रय विधियां, और डी है उपयुक्त सभी। तो विपणन अनुसंधान के अंतर्गत कौन सी जानकारियां जानने वाली है, तो वो कौन सा हो जाएगा, सी विक्रय विधियां, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद नियोजन एवं विकास विभाग कार्य इसके अधिकार क्षेत्र में आता है, ग्राहक, दुकानदार, विपणन प्रबंधक की सरकारी विभाग, तो ये किसके क्षेत्र में आता है, दुकानदार, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विपणन प्रबंधक विपणन में निपुण होते हैं लेकिन प्रशासनिक कार्यों को ठीक प्रकार नहीं निभा पाते, क्यों, क्योंकि प्रशासन बुद्धिमान व्यक्तियों का कार्य है, प्रशासन संबंधी ज्ञान का अभाव होता है, और सी प्रशासनिक कार्य के लिए पैसे नहीं मिलते, और डी है प्रशासनिक कार्य केवल निदर्शक स्तर पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी की सही हो जाएगा, प्रशासनिक कार्य केवल निर्देशक स्तर पर होता है। नेक्स्ट है 50 क्वेश्चंस पे आते हैं, उपभोक्ता को उपक्रम की वस्तुओं उत्पादों के विषय में जानकारी देने के लिए अपनाई जाने वाली कौन सी तकनीक है, ए है विक्रय, बी है विक्रय एवं विक्रय संवर्धन, सी है संवहन, की डी संचार माध्यम। तो ये कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कम्युनिकेशन मीडियम से थ्रू हम क्या सकते हैं कि उपभोक्ताओं को जानकारी दे सकते हैं। नेक्स्ट है ग्राहक उपभोक्ता से दूरगामी रिश्ते बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ए ग्राहकों को ज़्यादा सामान दिया जाए, बी है ग्राहकों को ज़्यादा कीमत पर सामान दिया जाए, सी है सरकारी मदद ग्राहकों तक पहुँचाया जाए, और डी उपभोक्ताओं की शिकायतों पर ध्यान देकर उनका निराकरण किया जाए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऑप्शन डी इसका करेक्ट सटीक बैठ रहा है कि उपभोक्ता की शिकायतों को ध्यान देकर क्या किया उस पर काम किया जाए। नेक्स्ट है विपणन के समय उपभोक्ता को वस्तु के विषय में समस्त जानकारी दी जानी चाहिए, क्यों, क्योंकि ए सामान की बिक्री बढ़ेगी, बी सामान अधिक कीमत पर बिकेगा, बेकार सामान का भी विक्रय हो जाएगा, और डी उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है 53 है, कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक देना विपणन प्रबंध को दर्शाता है, ए बाजार संरक्षण, बी है बाजार नीति, सी बाजार ज्ञान, की डी कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मचारियों के प्रति क्या, उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है समाज को मंदी से बचाने के लिए प्रेरणात्मक कदम है, पहला है ज़्यादा बिक्री, बी है महंगे बिक्री, डी है दीर्घकालीन दृष्टिकोण, और सी डी है नए बाजारों की खोज। तो समाज को हम मंदी बनाने के लिए कौन सा मेरे लिए प्रेरणात्मक कदम है, तो नए बाजारों की खोज, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी एक वस्तु को कम मूल्य पर बेचा जा सकता है, ए विपणन लागत कम की जाए, बी उत्पादन अच्छा हो, सी उत्पाद खराब हो चुका हो, और डी उत्पादन लागतों में वृद्धि हो जाए। तो किसी भी एक वस्तु को हम कम मूल्य पर बेच सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी उत्पाद खराब हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी एक उत्तरदायित्व है, पहला है समाज के प्रति, बी देश के प्रति, सी खेलने के प्रति, की डी पहला और दूसरा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला तथा दूसरा, कि समाज के प्रति और देश के प्रति जो है रोजगार के अवसरों में वृद्धि का एक क्या है, उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है विज्ञापन में छल कपट का सहारा लेना, ए उद्योगों का नियम है, बी कानून अपराध है, सी सरकारी आदेश है, डी प्रतिस्पर्धा के लिए आवश्यक है। तो विज्ञापन में जो हम एरर ऑफ वर्ड्स करते हैं उसका सहारा लेना क्या है, डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा के लिए क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, विपणन प्रबंध का उपभोक्ता के प्रति उत्तरदायित्व है, ए नई नई वस्तुओं का निर्माण, श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का निर्माण, सी है विपणन लागतों की कमी से लागत में कमी, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कि श्रेष्ठ किस्म की वस्तुओं का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है विपणन मिश्रण के मुख्य तत्व, पहला है उत्पाद मिश्रण, डी बी है प्रतियोगिता मिश्रण,
सी है वितरण मिश्रण और डी है संचार एवं सेवा मिश्रण। तो विपणन मिश्रण के लिए मुख्य इसका इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या है, संचार एवं सेवा मिश्रण, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, उपभोक्ता व्यवहार विपणन मिश्रण को प्रभावित करता है क्योंकि उपभोक्ता बाजार का राजा होता है, बी उपभोक्ता समझदार होता है, उपभोक्ता कीमत अदा करता है और डी ऑप्शन उपभोक्ता उच्च कोटि की वस्तु नहीं खरीदता। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मार्केटिंग मिक्स में इसको प्रभावित नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपभोक्ता उच्च कोटि की वस्तु नहीं खरीदता। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिस्पर्धाओं के संबंध में सत्य है, पहला प्रतिस्पर्धा हमेशा बुरा सोचते हैं, बी है प्रतिस्पर्धा में उपभोक्ता को हानि होती है और सी प्रतिस्पर्धा सरकारी नियमों के आधार पर होती है और डी उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा सरकारी नियमों के आधार पर होती है। तो आई होप यू आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, इसे आप लिखिए, जितनी बार इसको आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आपके लिए सही है और एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे। ओके, थैंक यू।